माय यूट्यूब चैनल और हम अभी पी रहे हैं चाय, आएंगे मेहंदी। तो मेहंदी कैसी लग रही है वो इसी वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगी। आगे तो वीडियो पूरा देखना। अभी तो रात के देखो 9 बजे हैं, अभी 9:15 ये मेहंदी लगाई जा रही है। ये देखो देखो गाइस कैसी लग रही, कमेंट बताना। ये इसमें आ नहीं पा रही सही से, बेल वाली है। अरे एक मेहंदी जल्दी की मारे ऐसी लगा रहे, जल्दी जल्दी की मारे। खाना खा चुके हैं, दावत भी खाए हैं, एक बहुत थके हैं। निन्नी आ रही है, निन्नी देखो ऐसी लगाई है, ये ब्रॉच टाइप की बनाई है, फिर ऐसे ऐसे और ऐसी इधर बनाई है। ये कैसी रचेगी ये कल पता चलेगा। मेहंदी है रचने वाली, आँखों में देने वाली, कई सखियाँ कलियाँ तुम्हें खिलने वाली। कमेंट में बताइयो कैसी लगी मेहंदी। हाओ ज़्यादा अच्छी नहीं लगा पाता, ऐसे ही लगा पाता। और इस वाले हाथ में लगाएंगे अजैन जी। लगाओगे? लगा देंगे, जलेबी वाली लगा पाते हैं। जल्दी जल्दी लगा रहे क्योंकि रात ज़्यादा हो रही, थके हैं। जल्दी जल्दी मेहंदी लगा लें और फिर लेट है। कैसी लग रही है बताना कमेंट में। आओ देखो अभी अभी फूल नहीं बना रही है, बनाएंगे। बनाओ जलेबी वाला फूल बनाते हैं। वेरी गुड, बस ये देखो। चलो इधर बनाए, ये हमने लगाई ईद की जलेबी, बहुत मोटी हुई। सही है, ये देखो दोनों जलेबी डाल देंगे। ठीक, इनके आसपास बूंदी बूंदी रखो, ऐसे ऐसे ऐसे। ये मेहंदी 1 करोड़ रुपए की रखते हैं, किसी को रखवा दी हो तो बुकिंग करें। कोई नहीं रख पाता ऐसी, कोई भी कोई रख पाता हो तो बताना। वेरी गुड, ये देखो। ओके, इन्हें कोई कहेगा इन्हें नहीं रखी। इधर भी एक फूल बना दो यहाँ पे, हैं जी जलेबी वाला। हार्ट शेप बना नहीं बना पाते हो? अरे वाह, इतने नई डिजाइन की बन गो देख। जो मन में आ रहा वो रखो, बंदी बंदी रखो, बंदी रखो। आधी वीडियो तो पूरी मेहंदी नहीं जा रही है, बस देखो अब कंप्लीट करके दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा क्लिप बड़ी हो जाएगी। चलो गाइस, तो सुबह उठ के सबसे पहले मैंने कहा छत पे जाके रंगोली बना दूं, क्योंकि रंगोली मुझे कलर की बनानी थी। कलर की इसलिए बनाई थी कि बारिश हो या कुछ भी हो तो ये ख़राब नहीं होगी, और कलर रखे हुए थे तो मैंने कहा कलर की ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे येलो कलर और पर्पल है, ये पिंक समझ में नहीं आ रहा, मतलब वैसे तो पर्पल ही था लेकिन ये पिंक कलर हम लोगों ने चॉइस किया है, मतलब पिंक लग रहा है इसमें। चॉइस क्या किया, पिंक लग रहा है इस कैमरे की रिकॉर्डिंग में, फ़ोन के कैमरे की रिकॉर्डिंग में। तो यहाँ पे मैं बस इसको मिक्स करके अच्छे से और कॉटन की हेल्प से इसको राउंड राउंड शेप करके बना दी है। इजी वाली बनाई है क्योंकि ये पेंट भी ऐसा है ना जो फिंगरिंगर में लग जाएगा तो छूटेगा भी नहीं। और यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है मेरी ये रंगोली। तो ऐसे ही मैंने ये छत पे बना ली थी, बीच में बनाई थी जिससे पूजा करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे कंप्लीट हो गई है रंगोली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो तुलसी पूजा के लिए हम और सासू माँ रेडी हो गई हैं। हमने पहनी ग्रीन, सासू माँ ने पहनी रेड, और सारा सामान तुलसी मैया का सिंगार सब रेडी है। अब हम लोग जा रहे छत पे, आप लोग भी चलिए साथ में। और ये तुलसी मैया की पूजा का सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट भी देख लेना जिसने नहीं देखा प्रिपरेशन का। तो चलो छत पे चलते हैं, है मी? हाँ। तो ये सास बहू की जोड़ी छत पे आ गई है, और मैंने कहा था कि मैं ग्रीन पहनूंगी मम्मी, तो आप रेड पहनना साड़ी, ठीक है? तो मम्मी ने रेड पहनी और मैंने ग्रीन पहनी, और अभी हम लोग अपनी छत पे आ गए हैं। और ये देखिए रंगोली का कलर इतना 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 सुपर आया था, इतना सुपर आया था, बहुत अच्छा लगा था। और तुलसी मैया जो थी ना उनका मैंने जो गमला था वो भी येलो कलर से कलर कर दिया था। और ये देखो हमारी तुलसी माँ है, बहुत अच्छी तुलसी मैया की पूजा हुई थी। पूरा वीडियो देखना आप लोग। और रंगोली कैसी लगी, रंगोली में बीच में मैं डिजाइन बनाती जैसे कि स्वास्तिक या ओम वगैरह, लेकिन इसलिए नहीं बनाया कि हम लोग छत पे आते हैं तो पैर वगैरह पड़ेंगे, इसलिए नहीं बनाया बस। ठीक है, तो पूजा आगे देखिए आप लोग।
तो अभी हम लोग छत पे आ गए। ये माता रानी का श्रृंगार है सब पूरा, इन पे अभी हम लोग चढ़ाएंगे श्रृंगार। और इधर पूजा की प्लेट है, इसमें फूल, एप्पल और ये बर्फी, पूरी, प्रसाद, दिया सब कुछ है। और ये है जल, अभी मम्मी और सामान लेने गई है। तो चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बैठने के लिए एक चादर मैंने बिछाई है जिसपे हम लोग आराम से बैठ के पूजा कर सकें और कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे ये मैं चादर बिछा रही हूँ अभी, और इस पर मैं और मम्मी आराम से बैठेंगे। और हस्बैंड जी, हम लोगों ने तुलसी की पूजा जब तक की थी तब तक वो बने रहे थे, उसके बाद फिर ऑफिस चले गए थे और मैंने स्कूल ऑफ कर दिया था क्योंकि टाइम लगता थोड़ा पूजा में। और बॉयज़ ओवर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ट्रेन निकलती है, पास में रेलवे स्टेशन है, तो फिर बहुत ज़्यादा ट्रेन की साउंड की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी बैकग्राउंड में, और हम लोगों की आवाज़ इतनी तेज़ नहीं आ रही थी। और छत पर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोल भी नहीं सकती हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता है थोड़ा, इस वजह से। तो मैं बॉयज़ ओवर कर दे रही हूँ। यहाँ पे हम लोग डेकोरेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा गमले को डेकोरेट कर दिया था मैंने, जो आर्टिफिशियल फ्लावर ये लड़ी वगैरह थी इनसे, तो हर कलर की थी, वाइट थी, येलो थी, ऑरेंज थी। तो मम्मी का वाइट रहने दो, येलो कलर की आप इनको पहना देना। मम्मी का ठीक है मम्मी, चलिए। तो मम्मी का सबसे पहले कैसे क्या करना है मम्मी बताती जा रही थी और हम करते जा रहे थे। और सूरज भगवान सीधे ही सामने थे तो धूप भी थोड़ी थोड़ी लग रही थी। सुबह की जो मॉर्निंग वाली होती है ना वो बहुत अच्छी होती है, तो वो बहुत अच्छी लग रही थी। तो मम्मी का श्रृंगार का सामान उस साइड रख लो। और फिर मम्मी ये कलश स्थापित कर रही हैं, मतलब रख रही हैं। तो मम्मी भी बहुत अच्छे से पूजा करती हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, तो हम दोनों लोग ने मिल के बहुत अच्छे से पूजा कर दी थी। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग जल को चढ़ा रहे हैं तुलसी मैया के ऊपर, उसके बाद फिर यहाँ पे इनको टीका वगैरह लगा रहे हैं। तो सब कुछ अच्छे से करते जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप देखिए आप लोग, मतलब कोई भी स्टेप इधर उधर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पूजा मन से और श्रद्धा से करनी चाहिए, वो हम लोग कर रहे हैं। और भूल चूक सब भगवान माफ़ करता है, तो जितना आपको लगे, जितना आपसे हो सके उतना करें, किसी की देख के कि इतना हम चढ़ाएं या उतना चढ़ाएं ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ भी ना हो तो सिंपल आप बस अगरबत्ती लगा दीजिए या फूल चढ़ा दीजिए, जल चढ़ा दीजिए, पूजा कंप्लीट। तो जितना हम लोगों से हुआ उतना हमने और मम्मी ने मिलके किया। तो यहाँ पे हम लोग इसी तरह से पूजा कर रहे हैं दोनों लोग मिलके, और बहुत आराम से कर ली थी बैठ के। तो यहाँ पे अभी फूल चढ़ा रहे हैं और ये रेड फूल हमने कहा मम्मी ऊपर लगा दो, देखो लग जाता है कि नहीं, और वो लग गया, काफ़ी अच्छे से लग गया था तो अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद मम्मी ने कहा इनको वस्त्र पहना दो, तो ये हम लोगों ने लहंगा बनाया था इनका और एक चुन्नी, तो अच्छे से इसको बांध देंगे जिससे तुलसी में ये एकदम प्रॉपर लगें, अच्छी सी सजी हुई डेकोरेट जैसे हम लोग सजते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने विवाह जैसे होता है तुलसी मैया का वो नहीं किया था, पूजा की थी क्योंकि मम्मी हमेशा पूजा ही करती चली आई हैं शुरू से, तो फिर मम्मी का पूजा ही करेंगे हम लोग। तो यहाँ मैं हेल्प करवा रही हूँ मम्मी के साथ में, मैंने कहा थोड़ा ऊपर करके बांधें तो अच्छा लुक आएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा, एकदम न्यू तुलसी मैया लगने लगती हैं, इनको सजा दो तो बहुत अच्छी लगती हैं। आप लोगों ने भी घर पे की होगी पूजा, किस किस ने की है कमेंट में बताना, हो सके तो वीडियो देखते हैं तो आप कमेंट भी नहीं करते हैं, लाइक भी भूल जाते हैं करना, वीडियो में इतना मस्त हो जाते हैं, तो वीडियो इतनी अच्छी लगती है, तो वीडियो अच्छी लगती है या फिर आप लोग लाइक करते नहीं हैं, तो प्लीज़ अगर लाइक नहीं करते हैं तो एक लाइक कर दिया कीजिए। और एक कमेंट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, वीडियो देखते जाइए और जब वीडियो अच्छा लगे आपको, सच में अच्छा लगे तो कमेंट करें, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आप लाइक कर दें, उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, आगे वीडियो बनाने का मन करता है और मोटिवेट होती हूँ मैं आगे कि मुझे मेरी जो वीडियो है वो आप लोगों को अच्छी लग रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ जब आप लोग कमेंट करते हैं या फिर लाइक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने वस्त्र पहना दिए तुलसी मैया को, उसके बाद ये देखो माला जो है ना वो, ये मैंने कहा इनको मैं ऐसे पहना देती हूँ तो मतलब एक बहुत अच्छा लुक भी आएगा और तुलसी मैया पूरी भरी भरी सी लगेंगी। और बहुत सारी तुलसी मैया थी उनकी भी हम लोगों ने पूजा की थी, तो एक ये उठा के इधर साइड में रखनी थी जिनसे अच्छे से पूजा कर पाऊँ मैं और मम्मी दोनों लोग। और यहाँ पे हम लोग जो प्रसाद में हम लोगों ने बनाई थी पंजीरी, और नहीं सॉरी पंजीरी नहीं, पूड़ी बनाई थी और प्रसाद था, खीर इसलिए नहीं बनाई क्योंकि
मैं चावल वगैरह बहुत कम खाती हूँ और हस्बैंड को भी खीर कम पसंद है, पापा जी भी कम खाते हैं, फिर मम्मी कितना खाते हैं, इसलिए हम लोगों ने खीर बस थोड़ी सी मम्मी ने प्रसाद बनाया था जो तुलसी मैया को चढ़ाना था और हम लोगों ने मिठाई और फल ये सब चीज़ें मंगा ली थी तो वो इनके ऊपर चढ़ा दी थी, अच्छे से श्रद्धा से पूजा की थी। बस उसके बाद यहाँ पे अब मम्मी दीप प्रज्वलित कर रही हैं और धूप बत्ती लगाई थी और हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी तो हम लोग सोच रहे थे दीप प्रज्वलित किधर रखें किस साइड रखें, तो हम लोगों ने कलश को साइड में रख दिया था जिससे हवा ना आए। अभी अभी तो दीपक प्रज्वलित है, आप लोग देख सकते हैं। और सिंगार का सारा जो सामान है वो मैं एक एक करके चढ़ा रही हूँ, जैसे ये रुमाल था और अभी अभी इधर से दिख नहीं रहा है, वीडियो बनाई तो है हस्बैंड जी ने लेकिन वो सामान नहीं दिख रहा है, तो सिंगार का जो भी सामान आपसे हो सके थोड़ा बहुत, पर बिंदी सिंदूर ज़रूर चढ़ाइए और चूड़ी और कपड़े ये तो ज़रूरी आपको चढ़ाने होते हैं, पूजा करें तो अच्छा होता है। तो हमने जितना हो सका हमने सारी चीज़ें मैंने चढ़ाई थी, मेहंदी है, चूड़ी है, कंघा है और बिछिया है, सिंदूर है, रंग है, महावर और जो भी कुछ होता है सब कुछ हमने चढ़ाया था, तो वही मैं एक एक करके तुलसी मैया को मतलब चढ़ा के फिर नीचे रख रही हूँ अच्छे से, क्योंकि उनके पास गमले में आ नहीं पाएगा इसलिए। तो ये मम्मी ने अभी धूप बत्ती लगा दी है और बिंदी मैंने निकाल के तुलसी मैया की पत्तियों में लगा दी थी और एक मम्मी से बोला मम्मी जी आप भी लगा दीजिए और मम्मी जी ने ये देखी धूप बत्ती लगा दी। तो हम सास बुआएं बहुत मन से अच्छे से श्रद्धा से पूजा कर लेते हैं और अच्छे से रहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम दोनों लोग मिल के सब कुछ अच्छे से कर लेते हैं। और मैंने खूब सारी सजावट मतलब मैं भी अच्छे से तैयार हुई थी, मम्मी को भी किया था, मम्मी से भी कहा था हो जाइए और मैंने कहा शादी होती तो अच्छे से तैयार हो जाते हैं, जब हम लोग और फंक्शन में हो सकते हैं तो तुलसी मैया के विवाह में क्यों नहीं, तो मैं भी अच्छे से तैयार हुई थी और चूड़ी वगैरह ये पहना रहे हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गई हैं परिक्रमा लगा रहे हैं हम लोग तुलसी मैया की, 5 या 7 आप जितनी भी लगाएं उतनी लगा सकते हैं, तो हम लोगों ने भी ऐसी कुछ लगाई हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा था, पूजा अच्छे से कंप्लीट हो गई थी हम लोगों की। इसके बाद बस पूजा कंप्लीट ही है तो आप लोग देखते रहिए और आप लोग कैसे करते हैं कमेंट में ज़रूर बताना, हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, महावर वगैरह भी लगाते हैं अच्छे से तैयार हुए थे उसी तरह से, पहले तुलसी मैया लगा दी थी फिर हम लोगों ने लगाई थी। तो यहाँ पे बस ये राउंड 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 हो रहा है और वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रही हूँ, सच में इतना साउंड आ रहा था ट्रेन की आवाज़ का कि मुझे सारी क्लिप म्यूट करनी पड़ी और सब में वॉइस ओवर करना पड़ा। तो बस ऑलमोस्ट पूजा कंप्लीट है, तो तुलसी मैया की पूजा कर ली है हम लोगों ने, वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा और ये रही हमारी तुलसी मैया। मम्मी कुछ बोलो, आज पूजा कर ली हम लोगों ने तुलसी मैया की आराम से सुबह से सब कुछ काम करके नहा धो के, और अभी हमारा फास्ट भी है क्योंकि सोमवार है, उसकी भी हमें पूजा करनी है। हाँ उसकी भी वीडियो बनाएंगे, वो देखना बाद में आएगी, लेकिन ये बच्चे लोग जा रहे हैं हम इनको भी तैयारी करना है। हाँ हमने आज छुट्टी ली नहीं थी लेकिन उनको जाना है तो बस। नहीं थोड़ी तबीयत भी गड़बड़ थी। हाँ थक गए थे थोड़ा ज़्यादा काम था। तो चलो इस वीडियो का एंड करते हैं, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। तुलसी माता की जय। बाय।
तो तुलसी पूजा की रात में देव दीपावली थी, तो हम लोगों ने दीप प्रज्वलित किए थे पूरे घर में हर जगह। तो ये तुलसी माता के पास भी रखे थे, तो मैंने एक छोटी सी क्लिप आपके साथ शेयर की है। मैं वैसे अलग से वीडियो बना सकती थी, बट हम लोग दिन में थोड़ा थक भी गए थे और मेरे हाथ में थोड़ी सी चोट लग गई थी, इस वजह से फिर वीडियो नहीं बनाई। ये छोटी सी क्लिप आपके साथ शेयर की, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल और बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए आप लोग अपना, मैं भी रखूँगी, बाय।